हीरोडी थाना इलाके के ग्राम शाली से बुधवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अपराधी के द्वारा 55 वर्षीय मजदूर नारायण राय की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृतक पूर्व में माले का कार्यकर्ता रह चुका है, वहीं वर्तमान में वह अपने गांव के ही आरा मिल में मजदूरी कर रहा था। जानकारी के अनुसार नारायण राय मंगलवार की देर शाम घर के जलावन के लिए लकड़ी लाने गया हुआ था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। वहीं दूसरे दिन बुधवार की सुबह उसका शव शाली गांव के समीप मिला। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन व ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की सूचना हीरोडी थाना को दिया। सूचना मिलते ही हीरोडी थाना प्रभारी समेत इलाके के SDPO मुकेश महतो भी पुलिस जवानों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। बहुत ही दुखद घटना है ये। ये नारायण राय शुरुआती से हम लोग के पार्टी कार्यकर्ता के रूप में रहे और गांव में पूरा एक ईमानदार मजदूर के छवि था। सामाजिक काम में हर समय वो हलकदमी लेते थे और जिस तरीके से गांव के अंदर में ये हत्या कर दिया गया है, इससे लग रहा है कि पूरा जो है अपराधियों का मनोबल जो है पूरा बढ़ा हुआ है। और यहाँ उपस्थित हैं हम लोग के जमुआ इंस्पेक्टर साहब और हिरोडी थाना प्रभारी। हम लोग मांग करते हैं कि हत्यारों की 24 घंटा के अंदर शिनाख्त हो और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए हत्यारों के, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्साहस हत्या करने की कोशिश कोई लोग नहीं कर सके। इस घटना का हम लोग पूरी निंदा करते हैं और पूरी पार्टी कमेटी की ओर से, भाकपा माले की ओर से, हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी हो।